हम भूगोल से संबंधित टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ज्वार भाटा। तो सबसे पहले समझते हैं ज्वार भाटा है क्या। ठीक है, तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, इनके पास एक विशेष प्रकार की आकर्षण शक्ति होती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ज्वारीय बल हो गया, अपकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल है। इन बल के कारण ही सूर्य और चंद्रमा के विशेष आकर्षण शक्तियों के कारण ही जो हमारा समुद्री सतह है या फिर जो महासागर है उसमें जलीय स्तर का ऊपर उठना या नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं, उच्च ज्वार भी कहते हैं, नीचे गिरने को निम्न ज्वार कहते हैं, या ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं या नीचे गिरने को भाटा भी कहते हैं। ठीक है, इसी रूप में सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। अब इनसे ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती है। इसको एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे जो रेड वाली लाइन है, जैसे हम समुद्र सतह को दर्शाते हैं, जैसे मैं 0 लिखा है मैंने, MSL यानी मैन सी लेवल। ठीक है, यानी मैन सी लेवल यानी समुद्री सतह। अब होता क्या है, जब सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति लगती है तो इसका जो सतह है ये थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, जिसको हम उच्च ज्वार कहते हैं। जो जो ऊपर हमारी लाइन है ग्रीन वाली, जिसको मैंने HTW यानी हाई टाइड वाटर से दर्शाया गया है। ठीक है, ठीक इसके विपरीत स्थिति में निम्न ज्वार आता है, जो सबसे नीचे वाली लाइन है, जिसको मैंने LTW यानी लो टाइड वाटर से दर्शाया गया है। तो ये तो समुद्र के जल का ऊपर उठना या नीचे गिरना, ऊपर उठना उच्च ज्वार और नीचे गिरना निम्न ज्वार की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो मैंने लिखा है ज्वारीय परिसर, यानी जो समुद्री सतह है यानी वो कितना नीचे गया है कितना ऊपर गया है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ज्वारीय परिसर कहा जाता है। ठीक है, इस रूप में ये तो हमारा हो गया ज्वार भाटा। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सिजीगी की स्थिति होती है, यानी सिजीगी क्या होता है या उसकी स्थिति कैसी होती है। ठीक है, ऑप्शंस है ए सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो, बी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो, सी सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में हो, और डी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समांतर हो। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो इसका आंसर है हमारा सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी कैसी होनी चाहिए, अगर एक सीध में होगी तो वो स्थिति क्या कहलाएगी, सिजीगी कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं, होता क्या है। ठीक है, सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी की स्थिति एक सीध में होने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, सिजीगी कहते हैं। अब सिजीगी की दो स्थितियां बनती है। ठीक है, एक बनती है वियुति और दूसरा बनती है युति। अब वियुति में क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी हो तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, वियुति कहते हैं। यानी जब पृथ्वी की स्थिति कहाँ हो, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में होने चाहिए, इसे हम वियुति कहते हैं। मैंने कोष्ठक में SEM लिखा है, S यानी सन, E यानी अर्थ और M यानी मून, यानी सन और मून के बीच में अगर अर्थ है तो वो बनती है वियोति। ठीक है, ठीक दूसरा वाला है युति, जब क्या होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो तो इस स्थिति को हम युति कहते हैं। जैसा कि आप कोष्ठक में देख रहे हो SME यानी सूर्य और अर्थ के बीच में अगर मून आता है तो उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, युति कहते हैं। अब इसको हम एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। सिजीकी, जैसे मैंने लिखा सिजीकी, और सिजीकी में युति और वियुति दो होती है। सो सबसे पहले है युति, देखिए राइट साइड में है सूर्य, मध्य में आपका चंद्रमा और लेफ्ट में है पृथ्वी। ठीक है, अब युति में मैंने क्या कहा था, युति में जो हमारा चंद्रमा होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। ठीक है, ये स्थिति कब बनेगी, ये स्थिति अमावस्या को बनेगी, और इस स्थिति से क्या होगा, इस स्थिति से सूर्य ग्रहण होता है। और क्या होता है, इस स्थिति में दीर्घ या
पूर्ण ज्वार आता है। ठीक है, अब जो सूर्य के सामने वाली सतह होती है चंद्रमा, वो तो प्रकाशित होती है, ठीक इसकी विपरीत सतह जो होती है वो अप्रकाशित होती है, और ये सतह होती है पृथ्वी के समक्ष, इसलिए पृथ्वी पर उसका प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त करता है वो नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसका अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है। इसलिए उस दिन अमावस्या होती है, और अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण होता है, और उसी दिन दीर्घ या पूर्ण ज्वार की उत्पत्ति भी होती है। ठीक, दूसरी स्थिति है व्युत्पत्ति को समझते हैं, SEM। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो हमारा पृथ्वी होता है वो सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सूर्य की जो चंद्रमा का सतह होती है वो पृथ्वी के समक्ष होती है, और इस साइड में क्या होता है, ये प्रकाशित होती है, और इस दिन पूर्णिमा होती है, और इसी दिन क्या होगा, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्र ग्रहण होता है और दीर्घ या पूर्ण या उच्च ज्वार भी बनता है। तो दोनों स्थितियों में दीर्घ पूर्ण या उच्च ज्वार तो बनेगा ही, लेकिन दिन अलग अलग होगा, एक में पूर्णिमा एक में अमावस्या। जहाँ पर अमावस्या होगी वहाँ पर सूर्य ग्रहण, और जहाँ पूर्णिमा होगी वहाँ क्या बनेगा, चंद्र ग्रहण की स्थिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी की स्थिति होती है, जब चंद्र ग्रहण होता है तो इन तीनों की स्थिति कहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी हो, ऑप्शन बी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो, तथा ऑप्शन सी सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधा सीध रेखा में हो, यानी सीधी हो, और ऑप्शन डी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण हो। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, ऊपर हमने देखा था कि चंद्र ग्रहण कब आता है, या जो हमने युति और वियुति की स्थिति देखी थी, अगर हम उसमें से देखेंगे तो हमें आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण कब हो रहा था, हमने ये देखा था, ये देखो ये स्थिति क्या थी, वियुति की स्थिति थी, और इसमें क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण में स्थिति क्या रहती है इन तीनों की, तो स्थिति ये रहती है कि सूर्य चंद्रमा के बीच में रहता है, पृथ्वी रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य में होएगा, तब क्या बनेगा, तब अपना चंद्र ग्रहण होगा, और ये पूर्णिमा के दिन ही ऐसा हो पाता है। ठीक है, तो इससे हमें आंसर तो मिल ही जाएगा, कौन सा आंसर है, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में क्या होना चाहिए, पृथ्वी होनी चाहिए, आंसर हो गया हमारा ए। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने के साथ साथ वो क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण भी करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, जैसे पृथ्वी करती है वैसे के वैसे क्या करती है, चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूर्णन करने के साथ साथ वो पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी तो सूर्य के चारों तरफ करता है, जबकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर करती है, जिससे ग्रहण की दो स्थितियां बनती है। ठीक है, जैसे हमने डायग्राम में भी देखा था, अब इसमें फैक्ट भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला चंद्र ग्रहण, जो चंद्र ग्रहण कब बनता है, सूर्य व चंद्रमा के मध्य अगर पृथ्वी की स्थिति होती है तब चंद्र ग्रहण होता है, ये स्थिति पूर्णिमा का होगी, और इसे हम क्या कहते हैं, वियोति कहते हैं। तो ये एक बार में अगर हम डायग्राम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाता है, अगर हमें एक बार समझ में आ गया तो फिर हम भूलते नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। दूसरा है सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा की स्थिति हो तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण देखा था, एक ही स्थिति कहाँ होती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा है तब सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम युति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपभू ज्वार आता है, यानी उपभू ज्वार किस स्थिति में आता है, कब आता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ऑप्शंस देखते हैं, ए है चंद्रमा का पृथ्वी से अधिकतम दूरी की स्थिति में, बी चंद्रमा का पृथ्वी के निकटतम स्थिति में, सी चंद्रमा का पृथ्वी के समकोण की स्थिति में, और डी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के समांतर की स्थिति में। ठीक है, अब जैसा कि ऑप्शन में आंसर दे रखा है, यहाँ पे आंसर है हमारा
चंद्रमा का पृथ्वी के निकटतम स्थिति में, ठीक है। जैसा हम जानते हैं चंद्रमा क्या करती है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। जैसा हमने या पिछली वीडियो में भी देखा था कि क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिसमें एक अधिकतम दूरी बनती है, एक न्यूनतम दूरी बनती है, ठीक उसी रूप में चंद्रमा भी क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसमें भी एक अधिकतम दूरी बनेगी, एक न्यूनतम दूरी बनेगी। तो जो न्यूनतम या निकटतम दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उपभुजवार कहते हैं। अब तो इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है तथा ये अपने अक्ष पर घूर्णन करने के साथ साथ क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण भी करता है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम की दूरी बनती है, ठीक है। अगर पृथ्वी चंद्रमा के बीच में अगर न्यूनतम है तब आपका क्या बनेगा, ये उपभुज्वार बनने वाला है, ठीक है, ये निकटतम देखा था। अब सामान्य रूप से क्या होता है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य औसत दूरी, औसत दूरी यानी एक तो सामान्य दूरी रहती है जो हमेशा कितनी रहती है, वो कितनी दूरी होती है, ये है 384,365 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब उसमें एक अधिकतम दूरी रहेगी, एक निकटतम दूरी रहेगी, उससे भी दो प्रकार के क्या उत्पन्न होते हैं, ज्वार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहला है उपभू ज्वार, ठीक है। अब इसको देखते हैं, चंद्रमा का पृथ्वी के निकटतम स्थिति होने पर जो ज्वार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उपभू ज्वार कहा जाता है, ठीक है। इसको एक और नाम देते हैं जिसे भूमि उच्च ज्वार भी कहते हैं, ठीक है। और इस स्थिति में पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी रहती है, 356,000 रहती है। एक तो औसत दूरी देखी थी, औसत दूरी हमारी 384,000 अपने 365 थी, अब ये क्या है, न्यूनतम दूरी है, ठीक है। और न्यूनतम दूरी में जो ज्वार बनेगा उसे हम उपभू ज्वार कहते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था उपसौर और अपसौर किसके समक्ष में, पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में, ठीक है। अब यहाँ पर है अपना ये चंद्रमा और पृथ्वी के संदर्भ में, जिसमें उपभू और अपभू। तो ये था उपभू ज्वार, जो क्या होता है, चंद्रमा का पृथ्वी के निकटतम या न्यूनतम स्थिति में जो ज्वार बनता है उसे उपभू ज्वार कहते हैं, और इसकी दूरी भी हमने देखी। दूसरा है अपभू ज्वार, जो चंद्रमा का पृथ्वी से अधिकतम दूरी की स्थिति में जो ज्वार बनेगा उसे अपभू ज्वार कहते हैं, और इसे भूमि निच ज्वार भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अपभू ज्वार को भूमि निच कहते हैं, उपभू ज्वार को क्या कहता है, भूमि उच्च ज्वार भी कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी ये उपभू ज्वार और अपभू ज्वार न देकर भूमि निच या भूमि उच्च ज्वार भी दे सकते हैं, ठीक है। इस स्थिति में पृथ्वी और चंद्रमा यानी अपभू अधिकतम दूरी कितनी रहेगी, ये अधिकतम दूरी 407,000 किलोमीटर रहती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, अधिकतम और न्यूनतम दूरी क्या क्या रहती है, अधिकतम और न्यूनतम दूरी में जो ज्वार बनता है उसको क्या कहते हैं, और ये अपना हो गया। अगला क्वेश्चन, लघु ज्वार भाटा कब आता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ए सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में हो, बी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी हो, सी सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के समकोण स्थित हो, डी सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा, ठीक है। अब इसका आंसर सी है, सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर स्थित हो। अगर हमारा सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के एक समकोणिक स्थिति है तब हमारा क्या बनता है, लघु ज्वार बनता है। दीर्घ ज्वार का हमने स्टार्टिंग में देखा था, जब क्या होता है, सिजगी की स्थिति बनती है, यानी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होता है तब दीर्घ ज्वार बनता है, ठीक है। ओके, इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार आता है, और इस समय क्या होता है, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं, जिससे सूर्य व चंद्रमा के ज्वार उत्पादन बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिससे सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु ज्वार कहते हैं, जिसे लघु भाटा भी कहा जा सकता है। इसको हम इस डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे सामने देखो, एक राइट साइड में सूर्य है, मध्य में पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति समकोणिक ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, जो सप्तमी और अष्टमी को बनेगी, ठीक है। अब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उसके ज्वारीय बल के कारण क्या करता है, ये सागरी जल को
ऊपर या नीचे खींचता है, ठीक है, जिस कारण से जो अपना ज्वार बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लघु ज्वार भाटा कहा जाता है, ठीक है, इस स्थिति के रूप में ये बनेगा। अब वो था लघु ज्वार, अब है दीर्घ ज्वार या पूर्ण ज्वार कब बनता है, इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी सी जब डायग्राम किया तब हमने इसको देखा था, पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन। चलिए देखते हैं, सिजदगी की स्थिति में यानी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के समांतर या एक सीध में होने की स्थिति में यह होता है, प्रत्येक चंद्रमास की अमावस्या या पूर्णिमा के दिन सामान्य ज्वार की अपेक्षा 20% उच्च बल के साथ जो ज्वार उत्पन्न होता है जिसे पूर्ण ज्वार या दीर्घ ज्वार कहा जाता है। यानी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन जो प्रत्येक चंद्रमास की बात कर रहे हैं, ये याद रखना है चंद्रमास की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सामान्य मास की बात नहीं कर रहे हैं। तो चंद्रमास की अमावस्या या पूर्णिमा के दिन जिस दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में रहते हैं उस दिन जो उत्पन्न होता है ज्वार जो सामान्य ज्वार से कितना होता है 20% ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे दीर्घ ज्वार या पूर्ण ज्वार कहा जाता है। आप इसको समझ सकते हैं ये दीर्घ ज्वार या पूर्ण ज्वार क्या है, ठीक है, एक साइड में हमारा क्या है सूर्य है, ठीक है, एक चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, जो स्थिति उसकी बदलती रहती है, या तो वो दाएं होगा यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य होगा या फिर पृथ्वी के एक साइड में होगा, तब दीर्घ ज्वार तभी बनेंगे तब ये तीनों क्या हो एक सीध में होने चाहिए, ठीक है, जब ये तीनों एक सीध में होंगे तब हमारा क्या बनेगा दीर्घ ज्वार बनेगा, ठीक है, और ये स्थिति कब हो सकती है, ये अमावस्या या पूर्णिमा को हो सकती है, ठीक है। अब पूर्णिमा और अमावस्या कैसे बनते हैं ये भी हमने लास्ट वाले डायग्राम के टाइम में डिस्कस किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम ग्रहण की स्थितियां बन सकती है, यानी जो हम एक कैलेंडर वर्ष यानी जो हमारे पास एक कैलेंडर होता है उस एक वर्ष में हमारे सामने कितनी ग्रहण की स्थितियां यानी कितनी बार ग्रहण आ सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर है अपने 7 बार, यानी अधिकतम एक वर्ष जो पारा होता है उसमें 7 बार ग्रहण की स्थिति बन सकती है। तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 बार ग्रहण की स्थितियां बन सकती है, जिसमें 4 बार तो क्या होगा सूर्य ग्रहण बनेगा और 3 बार चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, चंद्रमा तथा पृथ्वी के तल में 5 डिग्री का झुकाव होने के कारण प्रत्येक चंद्रमास में ग्रहण नहीं होते, यानी प्रत्येक चंद्रमा में कोई ना कोई तो आएगा, या पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा आएगी फिर अमावस्या आएगी फिर पूर्णिमा आएगी, ऐसे तो अपने कितने ग्रहण होने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के तल में 5 डिग्री का अंतर है, उसका झुकाव का अंतर है, इस रूप में प्रत्येक चंद्रमास में ग्रहण नहीं बनते हैं। चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण का लगभग जो समान है वो पृथ्वी के समान ही है, यानी जिस रूप में पृथ्वी की घूर्णन गति है या परिक्रमण गति है ठीक उसी रूप में चंद्रमा की भी घूर्णन और परिक्रमण गति है, इस कारण से हम पृथ्वी सतह से चंद्रमा को 59% यानी 59% भाग को ही देख सकते हैं, यानी पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा देखेंगे तो अधिकतम 59% ही देख सकती है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो अपने चंद्रमा है उसका घूर्णन और परिक्रमण किसके समान है पृथ्वी के समान ही है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हमें जो चंद्रमा है उसका 59% भाग ही हमें पृथ्वी की सतह से दिखाई देता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, ठीक है, तो सबसे ऊंचा ज्वार अगर विश्व में पूछा जाए तो कहाँ पे आता है, तो देखते हैं सबसे पहला ये है हडसन की खाड़ी में, बी कैलिफोर्निया की खाड़ी में, सी फंडी की खाड़ी में और डी फारस की खाड़ी में, ठीक है, तो इसका आंसर है सी फंडी की खाड़ी में। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी जो कहाँ पे है नोवा स्कोशिया कनाडा में स्थित है, वहां पर सर्वाधिक ऊंचा ज्वार आता है, ठीक है, इसका ज्वारीय परिसर कितना होता है यानी उसकी ज्वारीय तरंगें जो हमने स्टार्टिंग में देखा था डायग्राम में, यानी ज्वारीय परिसर कितना होता है 16 से 18 मीटर तक ज्वारीय परिसर होता है, ठीक है, ये तो विश्व की बात होगी, अगर भारत का पूछ ले तो भारत में सबसे ऊंचा ज्वार ओखा गुजरात में आता है,
जिसका ज्वारीय परिसर कितना है, जितना इसका ज्वारीय परिसर है 2.7 मीटर है, ठीक है, बहुत कम है विश्व की तुलना में। साउथ हेम्पटन एक ऐसी जगह है जो यूके में है, जहाँ एक दिन में 4 बार ज्वार आता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है, कहीं पूछ भी ले तो, ठीक है। ओके, अब एक और है, अयनवर्तीय या भूमध्य रेखीय ज्वार क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा या परिक्रमण करती है, जिससे उसकी स्थितियां बदलती रहती है। जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपने परिक्रमण करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए, जिससे उसकी स्थितियां बदलेगी। ये उत्तर दिशा में जाएगा तो उत्तरायण, दक्षिण दिशा में जाएगा तो ये दक्षिणायन होता है। अगर उत्तर दिशा में जाएगा उत्तरायण के समय ये कर्क रेखा पर रहेगी, तो कर्क रेखा पर रहने पर वहाँ पे उच्च ज्वार उत्पन्न होगा, ठीक इसके विपरीत मकर रेखा पर निम्न ज्वार आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर ये दक्षिणी में दक्षिणायन के समय मकर रेखा पर होगा, तो ये मकर रेखा पर उच्च ज्वार आएगा और ठीक इसके विपरीत कर्क रेखा पर निम्न ज्वार आएगा, ठीक है। तो ये तो चंद्रमा का था। अब सूर्य के भी उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थितियों में भी जो ज्वार बनते हैं उसको अयनवर्तीय ज्वार कहते हैं, ठीक है। ऊपर हमने चंद्रमा का देखा था, लेकिन यहाँ पर जो अयनवर्तीय बात है वो सूर्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो सूर्य के संदर्भ में अगर सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में है, तो वहाँ पर जो ज्वार बनते हैं उसे अयनवर्तीय ज्वार कहा जाता है। और अगर सूर्य की स्थिति मध्य में है और वहाँ पर जो ज्वार उत्पन्न हो रहा है उसे भूमध्य रेखीय ज्वार कहेंगे। तो ये तो था अपने अयनवर्तीय और भूमध्य रेखीय ज्वार के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी स्थान पर दो दैनिक, बात कर रहे हैं दो दैनिक की, किसी स्थान पर दो दैनिक ज्वार के मध्य समय अंतराल 52 मिनट का लगता है। यानी अगर दो दैनिक ज्वार की बात कर रहे हैं किसी एक स्थान पर, तो उसके अंतर कितना अंतराल रहेगा समय का, 52 मिनट का अंतराल रहेगा। अगला है, किसी स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों में, सॉरी दीवार नहीं है, ज्वार है, ठीक है, तो किसी स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों में समय अंतराल 26 मिनट का रहता है, ठीक है, तो वहां पे कितना रहता था, वो दो दैनिक ज्वार की बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर दो क्रमिक ज्वारों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अंतर थोड़ा माइनर है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। वहां पर था दो दैनिक, यानी किसी स्थान पर दो दैनिक ज्वारों के मध्य समय अंतराल 52 मिनट का रहता है, और किसी स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों में अंतर अपने 26 मिनट का रहता है, ठीक है, तो ये समझ गए होंगे, आपको याद रखना है। प्रत्येक ज्वार के बाद 6 घंटे और 13 मिनट के अंतराल से भाटा या निम्न ज्वार आता है। तो कोई भी जो ज्वार आ रहा है उसके ज्वार के 6 घंटे और 13 मिनट के अंतराल के बाद ही भाटा या निम्न ज्वार आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये अपना टॉपिक था आज, उससे रिलेटेड हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए, और उस क्वेश्चंस के साथ साथ उसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो भी हमने देखे, और उसको हमने कोशिश की कि हम उसे डायग्राम के माध्यम से भी समझ पाए, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रयास था। धन्यवाद दोस्तों।